नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आपका भाई आया हुआ है गोला पर, और अभी हम गोला दुर्गा स्थान लेकर चलते हैं। माता रानी का आप लोगों को दर्शन करवाते हैं, और आप लोगों को भी हम दिखाते हैं कि यहाँ पर डेकोरेशन ये सब कैसे किया गया, और माता रानी का यहाँ पर कैसा प्रतिमा रखा गया। सारा चीज़ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, बताएंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी आप लोग अवश्य लिखिएगा। तो अभी हम आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो दिए हैं, लगभग मुजफ्फरपुर के जो है से कि कुछ ही जगह जो है से कि हम मिस किए होंगे, बात बाकी जो है से कि हर जगह का वीडियो हम आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाएं। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं, विजिट करें, और सही से उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है भक्ति का, वहां से आप लोग जाकर जो है से कि और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम गोला का माँ दुर्गा का दर्शन करवाते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग जय माता दी अवश्य लिखिए। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा और कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया है। अभी हम आप लोगों को लेकर चलते हैं मंदिर तक, और चल के आप लोगों को दिखाते हैं। बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए, तो अभी आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा और काफी सुंदर, काफी प्यारा जो है सा डेकोरेशन किया। देख सकते हैं गोला दुर्गा स्थान का अपडेट अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो एक भैया हमें यहाँ मिल गया सब्सक्राइबर, देखिए ये जो है से कि लाइव यहाँ पे अभी वीडियो देख रहे थे। यह देखिए मोती झील पांडे गली का वीडियो, ये भैया हमें अभी देख ही रहे थे यहाँ पे। काफी अच्छा लगा, काफी। भैया वीडियो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, है ना? तो अभी आप लोग देख सकते हैं भैया जो है से कि यहाँ पे लाइव वीडियो भी हमारा चला के देख रहे थे अभी। तो चलिए हम आगे आप लोगों को जो है से कि गोला का माँ दुर्गा का दर्शन करवाते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ है यहाँ पे, मतलब कि काफी भीड़ संख्या में यहाँ पे जो है से कि पब्लिक जुड़े हुए हैं, और जो है से कि यहाँ पे मेला देखने आए हुए हैं और माता रानी का दर्शन करने आए हुए। हेलो महिलाओं से निवेदन है कि कृपया पुरुष लाइन में ना आए। महिलाओं से निवेदन है कि पुरुष लाइन में ना आए। महिलाओं के लिए अलग से प्रवेश द्वार है मंदिर के सामने। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा और कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया। ऐसे यहाँ पे जो है से कि हर साल यहाँ पे जो है से कि टॉप 10 डेकोरेशन किया जाता है, मतलब कि मुजफ्फरपुर में सबसे अलग, सबसे हट के जो है से कि यहाँ पे डेकोरेशन किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं पूरा LED लाइट के द्वारा जो है से कि यहाँ पे लाइट लगाया गया चारों तरफ। आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग बने रहिए, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं, आगे लेकर चलते हैं।
यहाँ पे आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐसे कि लेडीज और जेंट्स का अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं एक तरफ लेडीज के लिए, एक तरफ जेंट्स के लिए, और ये जो है कि आपको प्रवेश द्वार हो गया और ये जो है कि आपको निकासी द्वार हो गया। इधर से आप लोग जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए और ये रास्ते से आपको आना है दर्शन करके। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में मतलब कि पब्लिक का भीड़ है और माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए काफी लंबी लाइन लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए काफी लंबी लाइन लगी हुई है। और अभी आप लोग देख सकते हैं, चलते हैं अंदर में लेकर चलते हैं, आप लोगों को भी हम दर्शन करवाते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अभी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना प्यारा यहाँ पे जो है मंदिर का डेकोरेशन किया गया। आप लोगों को ये मंदिर का डेकोरेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा हमें। और आप लोग इस वीडियो का किस जगह से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए, तभी पता चलेगा कि हमारा वीडियो किस किस जगह चल रहा है और कौन कौन आदमी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। जहाँ पे भोलेनाथ का बड़ा सा मूर्ति लगा हुआ है वहां से महिलाओं के लिए एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। पार्क के अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया वो रास्ता बता दें। हाँ तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप लोग इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, वो हमें कमेंट्स करके बता दीजिएगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि हाँ ये वीडियो को हमारा कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, किस किस जगह पे देखा जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय माता दी।